भिखारिन जहानवी अपने कंबल में ठिठुरती हुई सो रही थी। शीत कुहासा बनकर प्रत्यक्ष हो रहा था। दो चार लाल धाराएं प्राची में क्षितिज में बहने चाहती थीं। धार्मिक लोग स्नान करने के लिए आने लगे थे। निर्मल की माँ स्नान कर रही थी और वह पंडित के पास बैठे कौतूहल से धर्म भीरु लोगों की स्नान क्रिया देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी माँ स्नान करके ऊपर आई। अपनी चादर ओढ़ते हुए स्नेह से उन्होंने निर्मल से पूछा, क्या तू स्नान न करेगा? निर्मल ने कहा, नहीं माँ, मैं तो धूप निकलने पर घर पर ही स्नान कर लूँगा। पंडा जी ने हंसते हुए कहा, माता, अब की लड़की पुण्य धर्म क्या जाने, ये सब तो जब तक आप लोग हैं तभी तक है। निर्मल का मुंह लाल हो गया, फिर भी वह चुप रहा। उसकी माँ संकल्प लेते हुए कुछ दान करने लगी। सहसा जैसे उजाला हो गया, एक धवक दांतों की श्रेणी अपना भोलापन बिखेरी गई। कुछ हमको भी दे दो रानी माँ। निर्मल ने देखा एक 14 बरस की भिखारिन भीख मांग रही है। पंडा जी झल्लाए बीच ही में संकल्प अधूरा छोड़कर बोल उठे, चल हट। निर्मल ने कहा, माँ कुछ इसे भी दान दे दे। माँ ने उधर देखा भी नहीं, परंतु निर्मल ने उस जीर्ण मलिन वसन में एक दरिद्र हृदय की हंसी को रुकते हुए देखा। वह बालिका की आंखों में एक अधूरी कहानी थी। रूखी लटों में सादी उलझन थी और बरौनियों में अग्रभाग में संकल्प के जल बिंदु लटक रहे थे। करुणा का दान जैसे होने ही वाला था। धर्मपरायण निर्मल की माँ स्नान करके निर्मल के साथ चल पड़ी। भिखारिन को अभी भी आशा थी, अभी उन लोगों के साथ चल पड़ी। निर्मल एक भावुक युवक था। उसने पूछा, तुम भी क्यों मांगती हो? इनकी पोटली के चावल फटे कपड़े की छित्र से गिर रहे थे। उन्हें संभालते हुए उसने कहा, बाबूजी पेट के लिए। निर्मल ने कहा, नौकरी क्यों नहीं करती माँ? इसे अपने यहाँ रख क्यों नहीं लेती हो? धनिया तो प्रायः आती भी नहीं। माँ ने गंभीरता से कहा, रख लो, किस जाति की है, कैसी है, जाना न सुना, बस रख लो। निर्मल ने कहा, माँ दरिद्रों की तो एक ही जाति होती है। माँ झिल्ला उठी और भिखारिन लौट पड़ी। निर्मल ने देखा जैसे उमड़ी हुई मेघमाला बिना बरसे हुए लौट गई। उसका जी कचोट गया, विवश था, माँ के साथ चला गया। सुना निर्धन के धन राम, सुना भैरवी के स्वर पवन में आंदोलन कर रहे थे। धूप गंगा के वच पर उजली होकर नाच रही थी। भिखारिन पत्थर की सीढ़ियों पर सूर्य की ओर मुंह किए गुनगुना रही थी। निर्मल आज अपनी भाभी के संग स्नान करने के लिए आया है। गोद में अपने भतीजे को लिए हुए सीढ़ियों से उतरा। भाभी ने पूछा, निर्मल क्या तुम भी आज पुण्य संचय करोगे? क्यों भाभी, जब तुम इस छोटे से बच्चे को इस सर्दी में नहला देना धर्म समझती हो तो मैं भी क्यों वंचित रह जाऊं? सहसा निर्मल चौंक उठा। उसने देखा बगल में वही भिखारिन बैठी गुनगुना रही थी। निर्मल को देखते ही उसने कहा, बाबूजी तुम्हारा बच्चा फले फूले बहू का सुहाग बना रहे, आज तो मुझे कुछ मिले। निर्मल अप्रतिभ हो गया। उसने भाभी हंसती हुई बोली, दुर पगली। भिखारिन सहम गई। उसने दांतों का भोलापन गंभीरता से पर्दे में छिपा किया। वह चुप हो गई। स्नान किया,
सब ऊपर चढ़ने के लिए प्रस्तुत थे। सहसा बादल हट गए। उन्हें अमल धवल दातु की श्रेणी ने फिर याचना की, बाबूजी कुछ मिलेगा? अरे अभी बाबूजी का ब्याह नहीं हुआ है, जब होगा तब तुम्हें न्योता देकर बुलाएंगे, तब तक संतोष करके बैठी रहो। भाभी ने हंसकर कहा, तुम लोग बड़ी निष्ठुर हो। भाभी उस दिन माँ ने कहा कि इसे नौकर रख लो, तो वह इसकी जाति पूछने लगी और आज तुम भी हंसी ही कर रही हो। निर्मल की बात काटते हुए भिखारी ने कहा, बाबूजी तुम्हें देखकर मैं तो यही जानती हूँ कि ब्याह हो गया है, मुझे कुछ न देने के लिए बहाना कर रहे हो। युवक हृदय उत्तेजित हो उठा, बोला, ये क्या भाभी, मैं तो इसे ब्याह करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाऊंगा, तुम व्यंग क्यों कर रही हो? भाभी अप्रतिभ हो गई, परंतु भिखारी अपने स्वाभाविक भोलेपन में बोली, दो दिन मांगने पर भी तुम लोग ने एक पैसा तो देता नहीं बना, फिर क्यों गाली देते हो बाबू? ब्याह करें के निभाना तो बड़ी दूर की बात है। भिखारी भारी मुंह लिए लौट पड़ी। बालक रामू अपनी चालाकी में लगा था। माँ की जेब से छोटी दुन्नी अपनी छोटी उंगलियों से उसने निकाला लिया और भिखारी की ओर फेंक कर बोला, लेती जाओ। भाभी को रामू की इस दया पर कुछ प्रसन्नता हुई, पर वे प्रकट ना कर सके क्योंकि भिखारी की सीढ़ियों पर चढ़ती ही गुनगुनाती चली।